खबरों का रुख कर लेते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ी बात कह दी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू को दिए इंटरव्यू में अखिलेश ने कहा कि परिवार में झगड़े की वजह से गठबंधन हुआ, अगर झगड़ा नहीं होता तो शायद गठबंधन भी नहीं होता। इस इंटरव्यू में अखिलेश ने कहा कि राहुल और उनकी सोच एक जैसी जरूर है, लेकिन मजबूरी की वजह से उन्हें कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा। हिंदू में क्या लिखा गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर परिवार में झगड़ा सामने नहीं आता तो शायद गठबंधन पर फैसला नहीं हुआ होता। हम और राहुल एक साथ हैं और अच्छी समझ रखते हैं। पहले एसपी कांग्रेस के बीच खटास रही है, लेकिन समय बदल गया है। ये तमाम बातें द हिंदू में लिखी गई हैं अखिलेश के सौजन्य से। सीधे लखनऊ का रुख करते हैं। अरविंद हमारे संवाददाता इस खबर पर बने हुए हैं। अरविंद, बहुत बड़ी बात कहेगा अखिलेश यादव इस इंटरव्यू के दौरान, उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन को मजबूरी करार दे दिया, अब इसका क्या असर होगा? मैं आपको तान्या ये बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में संबंध पहले से है, और शायद उन संबंधों का एक बड़ा कारण ये रहा है कि ये जो गठबंधन हुआ है, जब झगड़ा शुरू हुआ तो उससे समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर हुई। एक समय समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा आगे थी, और आपको मैं एक अंदर की बात ये बताना चाहता हूं कि जिस समय इलेक्शन कमीशन की लड़ाई अपने पूरे उफान पे थी, उस दौरान राहुल गांधी ने कपिल सिब्बल को वहां पर भेज के समाजवादी पार्टी की मदद की, और उस मदद की वजह से अखिलेश यादव को वो साइकिल चुनाव चिन्ह जो उनके हाथ से जाता हुआ दिखाई पड़ रहा था वो उनको मिला, और मैं समझता हूं कि ये बेहद महत्वपूर्ण बात थी। और जो हालात थे उत्तर प्रदेश के, अगर आप देखें जिस तरीके से झगड़े में पूरी पार्टी बिखर गई थी, और बिखरने के बाद अखिलेश यादव को ये लगा कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो वोटों का बिखराव हो जाएगा, और शायद यही कारण था कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। बिल्कुल, तो अखिलेश ने साफ साफ कहा कि अगर परिवार में झगड़ा नहीं हुआ होता तो फिर ये गठबंधन शायद नहीं हुआ होता, और मजबूरी थी इस वजह से कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ा। ये बड़ी बात अखबार को दिए इंटरव्यू में अखिलेश ने कही है।